दोस्तों, मोदी जी ने पूरे भारत को तालिबान मुद्दे पर बड़ी खुशखबरी दी है। आखिरकार जिस बात का इंतजार 130 करोड़ भारतीय कर रहे थे, अब उस इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। मोदी जी ने वायुसेना अध्यक्ष को फोन लगाया और उधर तालिबान और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी का डंका बज रहा है और मोदी जी की तारीफ में दुनिया के सभी अखबारों ने अपने हेडलाइंस को सजा दिया है। मोदी जी के हौसले को देखते हुए दुनिया के 15 देशों ने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, बेहद ही विस्तार से इस पूरी खबर को जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वक्त भारतीय वायुसेना की तैनाती तालिबान और पाकिस्तान के माथे पर हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के 25 लड़ाकू विमान इस वक्त तालिबान और पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़े हैं। जब बिपिन रावत जी का इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने तक की बात कह दी थी, उसके बाद तो ये समझा जा रहा था कि मोदी जी तालिबान को लेकर बेहद ही सख्त है। एक बेहद हाई लेवल मीटिंग के बाद मोदी जी ने तालिबान को लेकर बड़ा फैसला किया है और बता दिया है कि अगर तालिबान कश्मीर में घुसता है या भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रचता है तो उसका अंजाम क्या होगा। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री का यही अंदाज है, ना झुकेंगे ना चापलूसी करेंगे, आंख दिखाने पर जबरदस्त पलटवार भी करेंगे। पलटवार तो सब करते हैं, लेकिन मोदी जी पहला वार करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि पीएम मोदी दुश्मनों के हमले का इंतजार नहीं करते। जो शेर होते हैं वे पहला वार करते हैं और असल में वही असली शिकारी भी होते हैं। इस वक्त अजीत डोभाल लगातार रूस के बड़े अधिकारियों के संपर्क में है। पंजशीर घाटी के शेरों के हर संभव मदद के लिए भारत और रूस प्रतिबद्ध है। रूस ने भी साफ कर दिया है कि अगर आतंकवाद को एशिया से उखाड़ फेंकना है तो तालिबान और पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक जरूरी है। इस कारण मोदी जी ने वायुसेना अध्यक्ष को आदेश दे दिया है कि तालिबान के झूठे वादों में बिल्कुल भी ना आए, अपनी पूरी तैयारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इर्द गिर्द स्टार्ट कर दे। जिसके बाद बताया जा रहा है कि भारत के 25 लड़ाकू विमान काबुल के नजदीक पहुंच चुके हैं। भारत की कई बड़ी मिसाइलें भी काबुल के नजदीक तैनात की जा रही है, जिससे पाकिस्तान पर भी नजर रखी जाएगी। इस वक्त अफगानिस्तान में भारतीय वायुसेना की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी जी चाहते क्या है। पाकिस्तान को तभी समझ में आएगा दोस्तों, जब उसके हाथ से पीओके चला जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को यही लग रहा होगा कि मोदी जी तालिबान से डरे हुए हैं। ज्यादातर लोगों ने भारतीय वायुसेना का काबुल के करीब जाना मोदी जी की जल्दबाजी बता दिया है, लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था कि मोदी जी दुनिया से 10 कदम आगे चलते हैं। जिस जगह पर दुनिया की निगाहें टिकी होती है, मोदी जी वहां पर निशाना लगा दिए होते हैं, और जहां दुनिया निशाना लगाती है वहां मोदी जी शिकार कर चुके होते हैं। इस वक्त मोदी जी तालिबान के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, बल्कि उनका मकसद पीओके वापस लेने का भी तेज हो चुका है। मोदी जी ने तालिबान को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो कश्मीर में घुस कर दिखाओ, क्योंकि मोदी जी समेत हर एक भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। दोस्तों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला जरूर बढ़ा दे। कुछ लोग आज भी भारतीय सेना की वीरता पर शक करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, हमने कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के घुटने तोड़े हैं। इसी कारण हम अमेरिकी सेना से अलग है, क्योंकि हमें इन आतंकवादियों की चाल का पता है और इनसे कैसे निपटना है यह भी हमने अच्छे से सीख लिया है। भारत ने पहले ही सुकोई लड़ाकू विमान को तजाकिस्तान में तैनात किया हुआ है। इस तैनाती को देखकर पाकिस्तानी वायुसेना ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही है। तालिबान के प्रवक्ता बार बार मोदी जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। अगर मोदी जी ने वायुसेना को भेजा तो अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है तालिबान की धमकी से मोदी जी डरने वाले हैं? अपना विचार जरूर बताएगा। वही दोस्तों, मोदी जी ने भारतीय थल और जल सेना को भी तैयार रहने का आदेश दिया है। जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना पंजशीर घाटी में तालिबानियों को चीरने के लिए तैयार बैठी है। मोदी जी का मकसद साफ है, आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं, और इससे पहले कि आतंकवादी आपको आंख दिखाए आप उसकी आंखें निकाल लीजिए। इसी सिद्धांत पर मोदी जी ने तालिबान के खिलाफ बेहद ही कड़े फैसले लिए हैं। मोदी जी ने जब तालिबान को लेकर अचानक सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था, पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया था, और अब उस मीटिंग में यह ऐलान हो गया है कि तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ भारत अपने युद्ध तेज करने जा रहा है। बरमोज और राफेल की हुंकार बेहद जल्द काबुल में देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा, और जब से उसने तालिबान से दोस्ती की है उसका दाना पानी भी बंद हो चुका है। तालिबान के डर से सभी चीनी इंजीनियर पाकिस्तान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की हैसियत लगातार दुनिया के बड़े नेताओं में बढ़ती जा रही है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लगातार मोदी जी के संपर्क में बने हुए हैं, और वे चाहते हैं कि पीएम मोदी तालिबान के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करें।
अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त तालिबान से बेहद डरे हुए हैं, और जो बाइडेन है तो तालिबान के सामने सरेंडर करके अपनी नाक ही कटवा ली है, और अब कोई भी देश अमेरिका पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। ऐसे में हमारा प्यारा भारत एक उभरता हुआ उम्मीद का सितारा नजर आ रहा है, जिस पर सभी महाशक्तियों की नजर टिकी हुई है। इस वक्त भले ही अमेरिका अपनी सेना को लेकर भाग गई है, लेकिन आज भी नाटो देशों की सैनिक तालिबान के साथ लड़ाई के लिए काबुल में खड़े हैं, और वे पंजशीर के शेरों की मदद भी कर रहे हैं। और अब जो फैसला मोदी जी ने किया है, उसके बाद तो पंजशीर के शेरों का हौसला आसमान छूते हुए बुलंदियों तक पहुंच जाएगा। जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी से फोन करके मदद मांगी है, उसके बाद से ही यह माना जा रहा है कि अब तालिबान का अंत निश्चित है। पुतिन और मोदी जी ने एक बार फिर से नॉर्दर्न अलायंस को खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने मोदी से कहा कि तालिबान के खिलाफ लड़ाई में रूस हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इस वक्त तालिबान के खिलाफ दुनिया के सभी शक्तिशाली देश एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है, अब अमेरिका की जगह भारत लेने वाला है। हमारा प्यारा भारत सुपर पावर बनने की राह पर निकल पड़ा है। आज हमसे रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने उम्मीद रखी है। उन सब ने हमसे सुझाव मांगे हैं। अब वर्ल्ड मैप पर भी भारत ही नेतृत्व करना जा रहा है। इस वक्त G7, नाटो, UN और यूरोपियन यूनियन के सभी देश एक साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, और तालिबान के खात्मे की प्लानिंग जोर पकड़ती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त 15 देशों की सेना अपने सैनिकों को तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में उतारना चाह रही है। उन सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी से बार बार फोन करके सलाह मशविरे कर रहे हैं। मोदी जी के अनुभवों से सीखते हुए वे सभी लोगों का अफगानिस्तान में एक बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। खबर आ रही है कि मोदी जी भी उन 15 देशों की सेनाओं के साथ तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में भारतीय सेना को उतार सकते हैं, और इस बात का इंडिकेशन विपिन रावत जी ने इंटरव्यू में पहले ही दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम हमले का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि माहौल को देखते हुए पहले हमला भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये नया भारत है जहां सेना प्रमुख को अपना फैसला खुद करने की खुली छूट मिली हुई है, और इसके लिए मोदी जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम ही लगती है। हालांकि मोदी जी के फैसले को लेकर तालिबान ने बड़ा बयान दे दिया है। उसका कहना है कि अगर काबुल में विदेशी सेनाएं दिखी तो उसे भगा दिया जाएगा। लेकिन शायद तालिबान भूल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जो बाइडेन नहीं है उसके सामने जो सरेंडर कर देंगे। हमारे यहाँ शेर मोदी है जो घर में घुसकर शिकार को चीर देता है। ईंट से ईंट बजाने के लिए भारतीय सेना को हौसला 130 करोड़ भारतीय दे रहे हैं। ऐसे में भारत माँ के सभी लाल हमेशा सलामत रहेंगे, और हमारी सेना में पाकिस्तानी को धूल चटाकर कई बार यह साबित कर दिया है कि कौन शेर है। क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त भी तालिबान के आतंकी पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे, लेकिन उन सबको भारतीय सेना ने चीर कर रख दिया था। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपना विचार जरूर बताएगा, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।